नंबर्स के बारे में पढ़े हैं, नंबर, न्यूमरल एंड न्यूमरेशंस। नंबर्स, नंबर्स क्या है? नंबर आर द साइट ऑफ स्टैंडर्ड सिंबल्स एंड दैट रिप्रेजेंट क्वांटिटीज। नंबर्स क्या है? जैसे कि हम जनरली किसी को भी पूछेंगे नंबर बोलो तो पहले से, तो जनरली वी विल स्टार्ट फ्रॉम 1, 1, 2, 3, 4 एंड 5, दे आर कॉल्ड नंबर्स। फिर न्यूमरल किसको कहेंगे? न्यूमरल a single digit or a group of digits denoting a number is called a numeral. Numeral क्या है? Single digit, जैसे कि 6. 6 क्या है? Numeral. उसको number भी कहा जाता है और numeral भी कहा जाता है. But a group of digits, group of digits मतलब कि एक से ज्यादा digit, जैसे कि है 7, 5, 9 and 8. उसको क्या कहेंगे? Numeral भी कहेंगे. ये हम लोग पढ़ चुके हैं 5th में. Number, numeral and numeration. What is a numeration? Writing in a word is called numeration. हम लोग कोई भी एक डिजिट लेते हैं, जैसे कि 75, तो 75 उसको हम लोग वर्ड में कैसे लिखते हैं? 75 उसको हम कहेंगे numeration. ये सारी चीज हम लोग 5th में पढ़ चुके हैं. 5th में जनरली हम लोग पढ़ चुके हैं 5 डिजिट, 6 डिजिट, 7 डिजिट एंड 8 डिजिट. इतने डिजिट वाले हम लोग सारे नंबर्स पढ़ चुके हैं. But in 6th standard we will study about 8 digit, 9 digit and 10 digit. ये सारे digit वाले numbers हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे. पहले वो start करने से पहले हम लोग ये topic सारे clear करेंगे. First is a natural number, whole number, numeral, numeration, place value and face value of Indian and international system of numeration. Natural number और whole number आपके लिए नया है. Numeral and numeration ये दोनों आप 5th में पढ़ चुके हैं. प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू ऑफ इंडियन एंड इंटरनेशनल भी आप 5th में क्लियर कर चुके हो. बट यहाँ पे 6th स्टैंडर्ड में आपको इंडियन और इंटरनेशनल सिस्टम में 8, 9 एंड 10 डिजिट वाले हम लोग क्लियर करेंगे. पहले नेचुरल नंबर. नेचुरल नंबर किसको कहा जाता है? द काउंटिंग नंबर 1, 2, 3, 4 आर कॉल्ड नेचुरल नंबर. जनरली वी आस्क एनी वन कि नेचुरल नंबर का क्या क्या है, हम लोग जनरली सब लोग वही बोलेंगे 1, 1 से स्टार्ट करें, 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन. उसको हम लोग नेचुरल नंबर कहते हैं. नेचुरल नंबर मतलब कि जनरली किसी को भी हम लोग कुछ लेते हैं जनरली वो लोग 1 से ही स्टार्ट करते हैं. तो 1 से जो स्टार्ट होते हैं 3 to 9 उसको कहेंगे नेचुरल नंबर. देन आफ्टर होल नंबर. होल नंबर किसको कहते हैं? द नेचुरल नंबर्स अलोंग विद 0. नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है, उसके में और एक ऐड होता है वो है 0. 0 से हम लोग स्टार्ट करेंगे उसको कहेंगे होल नंबर. 0 अलोंग विद 0 मतलब कि 0, 1, 2, 3, 4 एंड 2 to 9. अब मैं आपको एक एग्जांपल से समझा दूं. जो ये सारे नंबर्स है इसी नंबर्स से हम लोग दूसरे नंबर्स क्रिएट करते हैं. जैसे कि 9 के बाद क्या आता है? 9 के बाद आता है 0. 0 के बाद नहीं पता, 0 के बाद आता है अगेन 1. अब हम लोग देखें 10 के बाद 11 आता है. 11 कैसे क्रिएट करते हैं? जैसे कि होल नंबर से ही होता है 1 1 11 1 2 12 1 3 13 1 4 14. वैसे ही कोई भी नंबर्स हम लोग बनाते हैं किससे? होल नंबर से. सारे होल नंबर्स नेचुरल नंबर भी कहा जाता है और सारे नेचुरल नंबर्स होल नंबर नहीं कहा जाता है. क्यों? नेचुरल नंबर्स में 1 से स्टार्ट होता है और होल नंबर 0 से स्टार्ट होता है. 0 में से लेके 9 तक जो नेचुरल नंबर्स है 1 से लेके 9 तक वाले वो सारे होल नंबर हम लोग कह सकते हैं. क्यों कह सकते हैं? क्योंकि जो 1 से लेके 9 तक के सारे नंबर्स है वो होल नंबर में आ जाते हैं. बट सारे होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं कह सकते क्योंकि होल नंबर में 0 इंक्लूड होता है. जो 0 से इंक्लूड होता है उसको होल नंबर कहेंगे. नेचुरल नंबर्स 1 से लेके 9 तक होते हैं. आपको नेचुरल नंबर्स और होल नंबर्स के बारे में भी आपको पता चल गया. न्यूमरल के बारे में मैंने आपको स्टार्टिंग में ही समझाया. सिंगल और ग्रुप ऑफ डिजिट, एक डिजिट हो उसको भी न्यूमरल कहेंगे, एक से ज्यादा हो और ग्रुप हो डिजिट का उसको कहेंगे न्यूमरल. देन आफ्टर न्यूमरेशन. न्यूमरेशन क्या है? राइटिंग अ नंबर, राइटिंग इन अ वर्ड इज कॉल्ड न्यूमरेशन. कोई भी डिजिट है उसको हम लोग वर्ड में लिखेंगे उसको कहेंगे न्यूमरेशन. नाउ अगेन आई विल रिकॉल ऑल दिस टॉपिक्स. नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर किसको कहेंगे? द काउंटिंग नंबर. काउंटिंग नंबर 1 से स्टार्ट से होके 9 तक चलता है उसको नेचुरल नंबर कहेंगे. देन होल नंबर. होल नंबर में 0 इंक्लूड होता है, 0 से लेके 9 तक उसको होल नंबर कहेंगे. सारे
इसके सारे नेचुरल नंबर्स होल नंबर्स हैं और सारे होल नंबर नेचुरल नंबर्स नहीं है, ये याद रखना, क्योंकि ये सारे जो वर्ड्स आपको मैंने अभी बोले वो आपको ट्रू और फॉल्स में भी पूछा जा सकता है कि सारे नेचुरल नंबर्स होल नंबर्स हैं नहीं है, दिस इज अ रॉन्ग। फिर सारे होल नंबर नेचुरल नंबर्स हैं, तो यस सारे होल नंबर्स नेचुरल नंबर्स हैं। थैंक यू, और भी बारे में आपको पता चल ओके, हम लोग ने न्यूमेरल सिस्टम अब पढ़ा, अब हम लोग पढ़ेंगे प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू ऑफ इंडियन एंड इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमेरल। इंडियन सिस्टम कहाँ यूज होता है, जनरली इंडिया में यूज होता है, और इंटरनेशनल सिस्टम आउट ऑफ इंडिया में यूज होता है, तो मैंने आपको फिफ्थ स्टैंडर्ड में पढ़ा चुका हूँ। इंडियन सिस्टम में यहाँ पे आप लोगों को दो डिजिट्स बढ़ेंगे, जैसे कि आप लोगों ने फिफ्थ में करोड़ तक पढ़ा था, अब यहाँ पे 10 करोड़ तक आएगा, और इंटरनेशनल सिस्टम में आप लोगों ने मिलियन तक पढ़ा था, और अब यहाँ पे आएगा बिलियन तक। ओके, इंडियन सिस्टम का एक एग्जाम्पल लेके उसको पहले कॉमा कैसे किया जाता है वो करेंगे, देन आफ्टर वी विल पुट इन प्लेस वैल्यू चार्ट एंड फिर उसको वर्ड में कैसे लिखा जाता है वो पढ़ेंगे। इंडियन सिस्टम फॉर एग्जाम्पल, लास्ट 3 डिजिट उसके आगे कॉमा, फिर 2 डिजिट कॉमा, अगेन 2 डिजिट एंड कॉमा। अब जनरली कुछ लोग बच्चे को पता चल जाता है कि ये करोड़ है, ये लैब से शुरू होता है, ये थाउजेंड से शुरू होता है, बट सारे बच्चे ऐसे नहीं होते कि उनको पता चल जाए। जिन लोगों को पता नहीं चलता है उन लोगों को लास्ट से शुरू करना है, लास्ट से आपको काउंटिंग करना है, वंस वंस टेंस हंड्रेड थाउजेंड 10,000 लाख 10 लाख एंड करोड़। आप ऐसे भी करके आप पता कर सकते हो कि फर्स्ट डिजिट कहाँ से शुरू हुई है, लाख से शुरू हुई है, करोड़ से शुरू हुई है, या थाउजेंड से शुरू हुई है। अब ये फर्स्ट डिजिट कहाँ से शुरू हुई है, करोड़ से, तो हम लोग इसको कैसे बोलेंगे, 3 करोड़ 52 लाख 67,590। अब ये हम लोगों ने कॉमा में लिखा, अब वर्ड में भी लिखेंगे, वर्ड में कैसे लिखेंगे, 3 करोड़ 52 लाख 67,590। ओके, अब हम लोगों ने वर्ड में कैसे लिखते हैं वो समझ लिया। अब प्लेस वैल्यू, जनरली आई कैन आस्क प्लेस वैल्यू ऑफ सिक्स, अगर मैंने प्लेस वैल्यू ऑफ सिक्स का पूछा है तो हमें पता कैसे चलेगा कि सिक्स की प्लेस वैल्यू क्या है। पहले प्लेस वैल्यू किसको कहेंगे, प्लेस वैल्यू इज द डिजिट ऑफ द नंबर, मतलब कि जो नंबर आपको पूछा है उसकी आपको प्लेस वैल्यू बतानी है। जनरली सभी बच्चों को स्टार्टिंग से पता चल रहा है कि 1000 की प्लेस पर है, 100 की प्लेस पर है, या करोड़ की प्लेस पर है, बट किसी बच्चे को नहीं पता चलता है। अभी मैंने आपको बताया कि आपको लास्ट से काउंटिंग करके पता करना है, वंस टेंस हंड्रेड थाउजेंड एंड 10,000, तो सिक्स कौन सी प्लेस पे हुआ, सिक्स 10,000 की प्लेस पे। तो आप दो तरीके से प्लेस पे लिख सकते हैं, सिक्स कौन सी प्लेस पे, 1000 की प्लेस पे, 10,000 की प्लेस पे, तो सिक्स मल्टीप्लाई बाय 10,000, तो 10,000 कैसे लिखेंगे, 10 और फिर 30, उसको मल्टीप्लाई करके 10,000 के साथ, तो वो हो जाएगा 60,000। और उसको दूसरी तरीके से भी लिख सकते हैं, 6 10,000, 6 10,000। वैसे ही सेम वे आई कैन आस्क 3 की प्लेस वैल्यू क्या है। अब 3 की प्लेस वैल्यू अभी हम लोगों ने पढ़ा, जैसे कि 3 कहां से है शुरू हो रहा है, यहाँ पे ही हम लोगों ने लिखा है 3 करोड़ की प्लेस पे, तो 3 कौन सी प्लेस पर है, करोड़ की प्लेस पे। सेम वे यहाँ पे आप लोगों को मल्टीप्लाई करके लिखना है, बट हम लोग फिफ्थ में क्या करते थे, जो डिजिट की प्लेस
टेस्ट में भी आपको कुछ है उसके पीछे जितने डिजिट होते हैं उतने आप जीरो डाल सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो। बट आप लोगों को यहाँ पे एक्सपांडेड फॉर्म आया, एक्सपांडेड फॉर्म में आपको ये फॉर्म से लिखना पड़ेगा। तो मैं आपको प्लेस पर भी वही फॉर्म से सिखा रही हूँ। तो थर्ड है वो कौन सी प्लेस पर है, करोड़ की प्लेस पर। तो 3 × 1 करोड़ लिखना है, क्यों? क्योंकि 3 कौन सी प्लेस पर है, करोड़ की प्लेस पर। तो 1 करोड़ 3 × 1 = 3 crore। और दूसरे फॉर्म में लिखेंगे हम लोग 3 crore। ये दो तरीके से आप प्लेस वैल्यू लिख सकते हैं। अगर आप लोगों को ऐसे ब्लैंक्स में पूछा है राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ 2, राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ 2 और आपको ब्लैंक्स दो दी है डैश ऑन करके डैश, तो आपको दोनों तरीके से लिखना है। बट आपको अगर एक ही ब्लैंक्स दी है तो दोनों में से आप कोई भी आंसर लिखोगे तो वो सही होगा। तो आपको पता चल गया इंडियन सिस्टम के बारे में। इंडियन सिस्टम में लास्ट 3 डिजिट से हम लोग शुरू करेंगे। लास्ट 3 डिजिट उसके आगे कॉमा, 2 डिजिट कॉमा, अगेन 2 डिजिट कॉमा। हमने यहाँ पे करोड़ रखा है, राइट? अब करोड़ क्या है, और एक डिजिट में बढ़ा दो, जैसे कि यहाँ पे 3 है, 3 की जगह पे मैं यहाँ पे 1 रख दूँ, तो ये कौन सा हो गया, 10 करोड़। तो यहाँ पे हम लोगों ने जो 3 करोड़ लिखा है उसकी जगह पे हम लोग क्या करेंगे, 13 करोड़। क्या लिखेंगे, 13 करोड़। एक डिजिट बढ़ गए पर बाकी का पीछे का जो है वो वैसे का वैसा ही रहेगा। सेन सुबह हाउ विल बी रीड 13 करोड़ 52 लाख 62 लाख 67,590। सेम वे अब 1 की प्लेस पर क्या हो, तो 1 कौन सी प्लेस पर है, 10 करोड़ की प्लेस पर। तो आप लिख सकते हो 1 10 करोड़ इज इक्वल टू 10 करोड़। और दूसरे वे में कैसे लिखेंगे, 1 10 करोड़। ये दो फॉर्म में आप लोग प्लेस वैल्यू लिख सकते हो। दोनों में से कोई भी एक प्लेस वैल्यू लिखोगे तो आपका आंसर सही होगा। बट अगर आपको दोनों ब्लैंक्स पूछी है और करके तो दोनों आंसर लिखना आपके लिए कंपलसरी होगा। अब इंडियन सिस्टम आपको पता चल गया, अब इंडियन सिस्टम की ही हम लोग प्लेस वैल्यू जॉइन करेंगे। पहले जनरली आप लोगों को कॉमा आ जाए तो फिर आपको वर्ड में भी कोई दिक्कत नहीं होगी। चलो प्लेस वैल्यू चार्ट, ये लैक का है, ये 1000 का और ये 100 10 1। ये इजी हो जाएगा आपके लिए। कैसे रीड किया जाता है, दो डिजिट को तो हम लोग ऐसे दो डिजिट को सिंगल सिंगल करके नहीं रीड करेंगे, 1 3 करोड़ ऐसे नहीं रीड करेंगे। बट यहाँ पे अगर 13 है तो 13 करोड़ रीड करेंगे। चलो एक एग्जाम्पल लेके आपको समझा दी, वो एग्जाम्पल ओके। ये डिजिट है, हम लोग लास्ट डिजिट से प्लेस वैल्यू चार्ट में हम लोग पुट अप करेंगे, 8 1 9 10 3 100 0 1000 1 10000 6 lakh 2 10 lakh 5 crore 3 10 crore। ओके, अब हम लोग कॉमा देंगे, लास्ट 3 डिजिट कॉमा, 2 डिजिट कॉमा, 2 डिजिट कॉमा एंड 2 डिजिट। तो हम लोग कैसे रीड करेंगे, 3 5 करोड़ नहीं रीड करते,
हम लोग इन दोनों को साथ में नहीं करेंगे। 35 crore 26 lakh 10,398 जनरली चार्ट से भी आपको पता चलेगा उसको कैसे रीड किया जाता है। कुछ बच्चे क्या करते हैं, कुछ बच्चे इसको थ्री फाइव करोड़ बट दैट इज द नॉन फाइव करोड़, ये नॉन है। इसीलिए मैंने यहाँ पे आपको ग्रुप का है जो आगे के दोनों से है वो कौन सा ग्रुप है, करोड़ का। 10, 26 जो है वो कौन सा ग्रुप है, लैक का। 10 कौन सा ग्रुप है, 1000 और लास्ट में 100 टेन्स एंड वंस। इंडियन सिस्टम इजी है, सेम वे इंटरनेशनल सिस्टम में थोड़ा ही डिफरेंस है। फिफ्थ में आप लोग मिलियन तक पढ़े और उसके आगे आएगा बिलियन, सेम वे 100 टेन्स और वंस जो लास्ट थ्री डिजिट है वो इंटरनेशनल सिस्टम में भी सेम रहेगी, 1000 और 10,000 तक भी सेम रहेगी। यहाँ पर लैक के आगे यहाँ पे चेंज हो जाता है। ओके, आपको क्लियर हो ही गया होगा कि उसको कैसे लिखा जाता है और कैसे बोला जाता है। अगेन एक एग्जांपल लेके आपको लास्ट एक बार समझा देती हूं। ओके, ये डिजिट है, अगेन इसको हम लोग प्लेस वैल्यू चार्ट में रखेंगे। 3 1 1 10 5 100 1000 1 10,000 6 lakh 2 10 lakh 5 crore 7 10 crore। अब यहाँ पे कॉमा लगाएंगे, लास्ट थ्री डिजिट उसके आगे कॉमा, बीच में टू डिजिट कॉमा, अगेन टू डिजिट कॉमा एंड टू डिजिट। अब देखो 75 कौन सा ग्रुप हुआ, करोड़ का। 75 crore 26 lakh 10,500 30। ओके, समझ में आ गया होगा। इंडियन सिस्टम में सबके बीच में दो दो का गैप रहेगा, लास्ट डिजिट टू डिजिट, टू डिजिट है टू डिजिट। इंटरनेशनल सिस्टम में थोड़ा अलग है। नाउ वी विल लर्न अबाउट इंटरनेशनल सिस्टम। उसके आगे क्या है, मिलियन, 356 मिलियन।
वैसे भी आप अगर पहले से पता नहीं चल रहा है आपको कि ये कौन सा ग्रुप है तो लास्ट आप काउंटिंग करके कर सकते हो वन टेन हंड्रेड थाउजेंड टेन थाउजेंड हंड्रेड थाउजेंड मिलियन टेन मिलियन एंड हंड्रेड मिलियन. अब इसको हम लोग प्लेस वैल्यू चार्ट में रखेंगे. सिक्स वन एट टेन नाइन हंड्रेड नाइन थाउजेंड फाइव टेन थाउजेंड टू हंड्रेड थाउजेंड सिक्स मिलियन फाइव टेन मिलियन एंड थ्री हंड्रेड मिलियन. सेम ये तीन का ग्रुप कौन सा हुआ मिलियन का. अगेन थ्री ग्रुप कौन सा हुआ थाउजेंड का. एंड लास्ट थ्री ग्रुप इज हंड्रेड टेन एंड वन. उसमें कोई चेंजेस नहीं रहते इंडियन सिस्टम और इंटरनेशनल सिस्टम में. अब इसको हम लोग कैसे एड करें. फर्स्ट डिजिट थ्री कौन सी प्लेस पर है हंड्रेड मिलियन तो उसको हंड्रेड मिलियन नहीं बोलेंगे हम लोग सिर्फ उसको हंड्रेड करेंगे थ्री हंड्रेड. फिर इसको दोनों को साथ में लेना है फिफ्टी सिक्स मिलियन थ्री हंड्रेड फिफ्टी सिक्स मिलियन टू टू हंड्रेड फिफ्टी नाइन थाउजेंड नाइन हंड्रेड एट्टी सिक्स. फर्स्ट डिजिट जो भी है वो हंड्रेड से स्टार्ट होगी कि जो ग्रुप आएगा वो उसके पीछे लगाना है. थ्री हंड्रेड फिफ्टी सिक्स मिलियन टू हंड्रेड फिफ्टी नाइन थाउजेंड नाइन हंड्रेड एट्टी सिक्स ये प्लेस वैल्यू चार्ट है. अब हम उसको मैंने वर्ड में लिख के बताऊंगा. थ्री हंड्रेड फिफ्टी सिक्स मिलियन टू हंड्रेड बाकी सारे टॉपिक्स आप लोग फिफ्थ में पढ़ चुके हैं. एक्स्ट्रा जो
और प्लेस वैल्यू चार्ट एंड फेस वैल्यू चार्ट भी आपको बनाना है। अब देखो फेस वैल्यू हमारा टॉपिक है, मैं आपको कल समझाऊंगी, पहले क्लियर करना है आपको प्लेस वैल्यू का। प्लेस वैल्यू क्लियर हो जाएगा तो फेस वैल्यू भी क्लियर हो जाएगा आपका। ओके नाउ इंडियन सिस्टम और इंडियन एज ए सिस्टम, उसके जो भी एग्जाम्पल्स मैं दूंगी वो आपको घर पर अपनी बुक में लिख के रखना है, और अगर आपकी इसकी और ज्यादा क्वेरीज है तो हम लोग जब स्कूल में मिलेंगे तो वो क्लियर कर देंगे मैम। ओके और वो सारे